इसका हमको बहुत इंतज़ार भी था, सब बागवान कृषक सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ तक के सैलानी भी। तो अच्छी बर्फ होने के कारण जो है हिमाचल प्रदेश में सभी बागवानों को, किसानों को और उसके साथ साथ में पर्यटकों को भी इसका आनंद और इसका लाभ निश्चित रूप से मिला है। आज कैबिनेट की मीटिंग थी, कैबिनेट की मीटिंग के डिसीजन की डिटेल्स भारद्वाज जी आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो एक दो चीज़ों को लेकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सुबह आते आते हमसे पूछ रहे थे विधानसभा का सत्र, विधानसभा का सत्र हमारा 26 फरवरी से 20 मार्च तक जो है वो होगा, 17 सीटिंग जो उसमें होंगी, ये हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पास आज यहाँ से कैबिनेट से अप्रूवल करने के बाद जो है आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है। बजट कब पेश होगा? बजट 6 तारीख 6 मार्च सर बारिश के बाद बोलना था, आप बीच में बोल दिए, तो मैंने पिछले कल ही सभी विभागों के अधिकारियों से बातचीत की इस संदर्भ में, क्योंकि बर्फबारी के कारण दो तीन चीज़ों की दिक्कत होती है। एक तो रास्ते अवरुद्ध होते हैं, सुनिश्चित करें सभी अधिकारी, इस बात के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को भी फ़ोन किए कि कोई भी आदमी कहीं ऐसी बर्फबारी में फंस गया हो तो उनको निकालने के लिए जो भी यथासंभव प्रयत्न किए जा सकते हैं, प्रयास किए जा सकते हैं, वो करने की कोशिश करें। दूसरा, कोई भी पर्यटक ऐसी स्थिति में, ऐसे इलाके में नहीं जाना चाहिए जहाँ बर्फ के कारण जो है वो कहीं फंस जाए और वो अपने आप को संकट में डाल दे, ऐसी परिस्थिति भी नहीं आनी चाहिए। तीसरे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बात करने के बाद, हमारे MD इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनसे भी बातचीत की है और उनको कहा कि सुनिश्चित करें कि बिजली की सप्लाई स्वाभाविक रूप से जब बर्फबारी होती है तो उसके कारण प्रभावित होती है, लेकिन जल्दी उसको रिस्टोर करने के लिए प्रयत्न विभाग की ओर से उस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। और वो काम आज सुबह से, जब से मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, बर्फबारी रुकी है, उसके बाद तुरंत शुरू कर दिया है।